क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो शिप सिर्फ समुंदर में चलने के लिए बनाई गई हो वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में किसी पहाड़ पर चढ़े या फिर किसी दूसरे साइड पर समुंदर में जाकर लैंड करे? सुनने में शायद इम्पॉसिबल लगता हो, लेकिन असल में ये मुमकिन भी है और हकीकत में ऐसा होता भी है। और उस जगह का नाम है पैनामा नहर, जो कि इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे 1,00,000 टन से भी ज्यादा भारी जहाज को पैनामा नहर आसानी से ऊपर उठा देती है और फिर बिना कोई नुकसान किए आसानी से नीचे भी ले आता है। करीब 160 साल पहले तक चाइना से निकलने वाली शिप्स को यूरोप तक पहुंचने के लिए साउथ चाइना सी से होते हुए वे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन ओशियन से होते हुए मैडागास्कर को पूरा बाईपास करके यूरोप तक पहुंचना पड़ता था। ये पूरा सफर 24,000 किलोमीटर लंबा था, जिसमें वक्त भी ज्यादा लगता था और जाहिर है पैसा भी। इस सफर को कम करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी होता था, लेकिन वो रास्ता ईस्ट चाइना से होता हुआ रशिया को बाईपास करके ईस्टेरियन सी से गुजरता था। कंपैरिजन किया जाए तो ये पूरा रास्ता 11,000 किलोमीटर छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ईस्ट का रास्ता अवॉइड करते थे। रास्ते में बहुत दिक्कत थी, साल के कई महीनों तक तो यहाँ समुंदर में बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इस रास्ते से कहीं भी आया जाया नहीं जा सकता था। लेकिन जल्दी इसे सॉल्व करने के लिए और समुद्र में शॉर्टकट बनाने के लिए सन 1859 में कैनाल यानी कि नहर बनाई गई, जिसे स्विस नहर का नाम दिया गया। 150 किलोमीटर लंबे इस कैनाल ने अरेबियन सी को बड़ी आसानी से मेडिटेरियन सी से जा मिलाया, जो सफर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर 24,000 किलोमीटर में तय किया जाता था, वो इस स्विस कैनाल के जरिए सिर्फ 13,000 किलोमीटर में पूरा किया जाने लगा। स्विस कैनाल की कामयाबी देखकर अमेरिकन शिपिंग कंपनीज को भी इसी किस्म के कैनाल की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को घूम कर जाना पड़ता था। इसलिए साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला ये लैंड कनेक्शन जहां पैनामा में मौजूद है, यहां भी एक कैनाल बनाने का फैसला किया गया, जिसको आज पूरी दुनिया पैनामा कैनाल के नाम से जानती है। लेकिन स्विस की तरह पैनामा से कैनाल निकालना कितना मुश्किल होगा ये किसी को नहीं पता था। जहां स्विस में कैनाल को खोदना काफी आसान था, क्योंकि वहां की जमीन का लेवल समुद्र के लेवल से सिर्फ कुछ ही फीट ऊंचा था और वहां की जमीन भी रेतीली हुआ करती थी, वहीं पैनामा में कैनल खोदना लगभग इम्पॉसिबल था दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के अंदर मजबूत पत्थर थे। यहाँ कैनाल खोदने का मतलब ये था कि 500 मीटर ऊंचे पथरीले पहाड़ों को समुन्द्र के लेवल तक डीप में खोदा जाए। और आखिरकार सन 1870 में ये मुश्किल चैलेंज एक फ्रेंच कंपनी ने अपने सर ले लिया। इसमें काम करने वाले वर्कर्स को यहाँ न सिर्फ पत्थरों को काटना था, बल्कि जंगल में मौजूद जहरीले और जानलेवा कीड़ों से भी अपनी जान बचानी थी। अभी काम शुरू हुए कुछ ही साल बीते थे कि मच्छरों के काटने से वर्कर्स में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि एक एक करके वर्कर्स की मौत होने लगी। अब मामला आखिरकार इस हद तक पहुंच गया कि 5,600 वर्कर्स इस बीमारी के लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। फ्रेंच कंपनी बैंकरप्ट हो गई और प्रोजेक्ट को छोड़कर उल्टे पांव भागने के लिए। साल 1904 में अमेरिकन्स जब यहाँ आए तो उन्होंने पैनामा कैनाल की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की। अमेरिकन्स जान चुके थे कि पहाड़ को खोदना एक नामुमकिन काम है, इसीलिए पहाड़ और सी लेवल का ये फर्क पूरा करने के लिए यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया, जिसे दुनिया आज गैटून लेक के नाम से जानती है। इस लेक के एक हिस्से से कैनाल खोदकर अटलांटिक ओशियन तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशियन तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी बाकी थी, क्योंकि आर्टिफिशियल लेक पहाड़ों के बीच में पानी जमा करके बनाई गई थी, इसी वजह से सी लेवल से 85 फीट ऊंची थी। यानी अटलांटिक या पैसिफिक ओशियन से शिप्स को इस लेक तक पहुंचाने के लिए 1 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाना बहुत जरूरी था। और इस काम को अंजाम देने के लिए लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको वाटर स्टेयर्स भी कहा जा सकता है। शिप जब पहले स्टेयर या लॉक के करीब पहुंचती है तो लॉक के अंदर का पानी सी लेवल से मैच करने के लिए ट्रेन किया जाता है। जब पहले लॉक का वाटर लेवल समुद्र के लेवल जितना हो जाता है तो लॉक खोल दिया जाता है और शिप अब पहले लॉक के अंदर चली जाती है। ये काम एक टग बोट या फिर टग ड्रेन की मदद से किया जाता है। शिप जब पहले लॉक में आ जाती है तो पहला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी ड्रेन होकर पहले लॉक में डाला जाता है। जब दोनों लॉक्स का वाटर लेवल बराबर हो जाता है तब गेट खोल दिया जाता है और शिप अब दूसरे लॉक में पहुंच जाती है और दूसरे लॉक का गेट दोबारा बंद हो जाता है।
इसी तरह लेक का पानी दूसरे लॉक में भरा जाता है और जब सेकेंड लॉक का वाटर लेवल लेक के लेवल से मैच कर जाता है तो तीसरा गेट खोला जाता है और ऐसे शिप लेक में तैरना शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 किलोमीटर लेक को पार करने के बाद एक बार फिर से लॉक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और जिस तरह शिप्स को ऊपर किया गया था उसी तरह ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके शिप को पैसिफिक ओशन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। पैनामा कैनाल पूरे इंजीनियरिंग इतिहास का एक ऐसा नमूना है दोस्तों जो अपने आप में एक अजूबा है और इसके बिना आज शिपिंग इंडस्ट्री बिल्कुल खोखली होती। इसके जरिए न सिर्फ वेस्टर्न यूएस पोर्ट्स यूरोप के करीब हो जाते बल्कि ईस्ट यूएस पोर्ट्स भी एशिया के करीब हो जाते हैं। कार्गो शिप्स को ये फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए और महीनों का सफर दिनों में कंप्लीट करने के लिए टोल टैक्स भी देना पड़ता है। हर 20 फुट कंटेनर के बदले 60 यूएस डॉलर टोल टैक्स के तौर पर देने होते हैं। यानी एक एवरेज साइज की शिप जिसमें 15,000 कंटेनर्स होते हैं वो सिर्फ एक बार ये कैनाल इस्तेमाल करने के तकरीबन 9 लाख यूएस डॉलर चुकाती है जो तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए होते हैं। पैनामा नहर पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि नई मैन्युफैक्चर होने वाली शिप्स की साइज को पैनामा कैनाल के इन लॉक्स की साइज के हिसाब से बनाया जाता है और क्योंकि अगर यहाँ छोटी सी गड़बड़ भी हुई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को कई 100 साल तक भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 में कंटेनर शिप कैनाल में सिर्फ 6 दिन तक फंसी रही थी और इसकी वजह से यहाँ भारी ट्रैफिक जाम लग गया था और 6 दिन के बाद कैनाल को तो क्लियर करवा लिया गया लेकिन इस हादसे की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को 60 बिलियन डॉलर्स यानी कि 4,680 अरब रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा था। आपको क्या लगता है, इसे भी दुनिया के अजीबों की लिस्ट में शामिल करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।